क्या आप भारत के ऐसे पवित्र स्थल के बारे में जानते हैं जहां हिंदू मुस्लिम जाकर एक जगह सर झुकाते हैं, जहां समुद्र की लहरें भी नतमस्तक हो जाती हैं। दरअसल आज यहां हम बात कर रहे हैं मुंबई की हाजी अली दरगाह की, जहां समुद्र की लहरें चाहे कितने ही उफान पर हों, लेकिन ये दरगाह कभी नहीं डूबती। चलिए जानते हैं इसका राज। हाय दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह, यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। बताया जाता है कि हाजी अली एक समृद्ध परिवार से थे। एक बार की बात है, जब हाजी अली उज़्बेकिस्तान में नमाज पढ़ रहे थे, तभी वहां से एक महिला रोती हुई गुजरी। हाजी के पूछने पर महिला ने बताया कि वो तेल लेने निकली थी, लेकिन तेल से भरा बर्तन गिर गया और सारा तेल जमीन पर फैल गया। महिला ने कहा कि अब उसका पति उसे बहुत मारेगा। इसे सुनने के बाद हाजी अली महिला को उस जगह ले गए जहां तेल गिरा था। वहां जाकर उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में गड़ा दिया, जिसके बाद जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा। फिर क्या था, महिला ने फौरन अपना बर्तन तेल से भर लिया और अपने घर चली गई। बताते हैं कि इसके बाद महिला तो खुशी खुशी वहां से चली गई, लेकिन हाजी अली मायूस से हो गए। उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे कि उन्होंने ऐसा करके धरती को जख्मी कर दिया है। बस तभी से वे गुमसुम रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए वे व्यापार करने और सुकून पाने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पहुंच गए जहां आज दरगाह है। कहते हैं कि कुछ समय बाद उनका भाई मुंबई से लौट गया, लेकिन हाजी अली वहीं रह गए और यहां धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। वहीं दरगाह से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि उन्होंने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत नेक काम के लिए दान कर दी थी, लेकिन मक्का की यात्रा के दौरान ही उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए। हैरानी की बात तो यह है कि उनका ताबूत समुद्र में बिना डूबे मुंबई यहां पहुंचा और उस ताबूत में एक बूंद भी पानी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना के बाद ही हाजी अली की याद में मुंबई में दरगाह का निर्माण किया गया। कहते हैं कि आज भी समुद्र के बीचों बीच बने होने के बावजूद भी दरगाह में पानी की एक बूंद जाने से भी कतराती है। हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली तट के पास बने एक छोटे से टापू पर बनी है, जो 4,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली है। इसमें इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसे सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में 1431 में बनाया गया था। दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दरगाह की। सफेद रंग की इस दरगाह के आकर्षण का केंद्र है 85 फीट ऊंची मीनार, जिसकी नक्काशी खूब भाती है। दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं, जिस पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है और अल्लाह के 99 नाम भी उकेरे गए हैं। वहीं मजार को लाल हरे रंग के कपड़ों से सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक दायरा भी है। हैरानी की बात तो ये है कि हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीच बनी है, जहां जाने का रास्ता और भी खतरनाक है। दरअसल यहां जाने के लिए एक पुल बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ समुद्र की लहरें उठती रहती हैं और ज्वार आने पर पूरा का पूरा पुल उसमें समा जाता है। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि समुद्र चाहे कितनी ही उफान पर हो, पर यह दरगाह कभी नहीं डूबती। माना जाता है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं, फिर चाहे कोई आम नागरिक हो या कोई सेलिब्रिटी, सभी धर्म के लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। ये जगह ना सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये एक फेमस पर्यटक स्थल भी है। दोस्तों, क्या आप भी इस पवित्र दरगाह पर जा चुके हैं? अगर हाँ, तो अपना अनुभव हमसे शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।